हेलो दोस्तों, सबको स्वागत है मेरा चैनल में। और अभी बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, नया व्लॉग बना रहा हूँ। आजकल क्या मैं एक नया एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ हूँ। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है आपको आगे आने वाले वीडियोस में, फिलहाल इस वीडियो में ही मैं बताऊँगा। और अभी क्या है, आज मैं देर तक सो रहा था तो वो एकेडमी जा नहीं पाया ट्रेनिंग के लिए, तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ना आऊँगा। और स्टे ट्यून। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा किक बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करूँगा। पहले बैंड वगैरह बांध लेता हूँ, मेरा वार्म अप हो चुका है तो ज़्यादा नहीं करूँगा। और ये बांधना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, मेरे को नहीं, लेकिन जिनको बांधना नहीं आता उनके लिए। तो थोड़ा बेसिक से चालू करा। आपको लग रहा होगा कि मतलब ये कहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं, रूम है हमारा। वैसे प्रैक्टिस तो अलग चलता है, पंचिंग बैग पे और टारगेट पैड्स पे हमारा प्रैक्टिस ज़्यादातर होता है। यहाँ पे मेरे घर पे पंचिंग बैग लटकाने का वैसे जगह नहीं है। दोस्तों, प्रैक्टिस हो चुका है और मैंने अपना बैंड वगैरह आप देख सकते हैं, वो सब निकाल के मैंने धूप में रख दिया है। अभी मैं जाऊंगा, पोस्ट वर्कआउट मील लूंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर लैपटॉप के सामने काम करने के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको मतलब बताऊंगा, दिखाऊंगा नहीं अभी, जब चीज़ें हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो स्टे ट्यून दोस्तों। तो अभी पोस्ट वर्कआउट मील लेने की बारी आ गई है, तो पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे और वापस काम पे लग जाएंगे। जो काम पे मैं कल लगा हुआ था वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, पोस्ट वर्कआउट जो मील है मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया है तो इसको थोड़ा हम ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा पहले। अब ये रेडी है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा ग्लास में सर्व करूँगा। तो दोस्तों, मेरे सब लोगों के नाम जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दोस्तों अभी लैपटॉप चालू हो रहा है। लैपटॉप चालू होने के बाद मैं फिर अपने जो काम है उस पर लग जाऊंगा। तो मेरा काम है वो आपको बताता हूँ मैं क्या है। एक्चुअली मैं जो हूँ एक फुल स्टैक वेब डेवलपर भी हूँ, वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाने का भी काम है मेरा। तो उस पर एक मतलब सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले सीख लिया, मुश्किल से सीखा, क्योंकि मैं था कुछ अलग फील्ड सा, मैं था अलग फील्ड से था। मैं क्या इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया मैंने, तो उस फील्ड से हटके फिर मैं ये वाले फील्ड में आ गया था, आईटी फील्ड। और चीज़ें मतलब मैं नया था, आईटी फील्ड से था ही नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था, तो बहुत मतलब मुश्किल हुआ मेरे को चीज़ें समझने में और बहुत टाइम लगा। कम से कम आप मान लीजिए 1 साल 1.5 साल कुछ लगा। मैं ये काम भी करता था, अपना साइट का काम भी करता था, और धीरे धीरे ये चीज़ें भी सीखता रहता था। और एक चीज़ को मैं मतलब एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो भी मेथड्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो मैं एक चीज़ मतलब 10 15 20 बार सीखता था उसको कम से कम। या जैसे कि मेरे को एग्जांपल लेता हूँ फॉर्म सबमिशन का है, तो वो फॉर्म सबमिशन मैं 20 बार करके देखता था, तब जाके फिर मेरे को ये सब चीज़ें मास्टर हुए। तो अभी मैं एक अपना जो चैनल है उसी का एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक ब्लॉग वेबसाइट है। तो उसमें क्या है, सबको करियर गाइडेंस और डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, इन सब में मतलब मैं आइडिया दूंगा। करियर गाइडेंस में क्या करियर चूज करना चाहिए, अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैसे पहचानना चाहिए, और क्रिएटिविटी कैसे लाना चाहिए सब चीज़ों में। तो स्टे ट्यून दोस्तों, अभी तो मैं कुछ डिज़ाइन वगैरह है मेरा रेडी है, लेकिन अभी आपको नहीं बता सकता।
अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ये जो चीज चल रहा है, ये मेरा एक ब्लॉग टाइप का वेबसाइट है, इसमें ऑडियो भी चलेगा, वीडियो भी चलेगा, और जो किसी को रीडिंग करना है उस हिसाब से भी मैं चीजों आइडियाज देता रहूंगा। तो सब कुछ है इसमें, तो मेंशन करूंगा ताकि जिससे आप अपना जैसे आइडियाज कुछ हो तो उस चीज में आप वो आइडिया मेरे को शेयर कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके, और वो आइडिया मैं आपके चैनल में भी बताऊंगा। बाकी मेरा जो प्रोफेशन है किकबॉक्सिंग का भी है, अभी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है मेरा, और नेशनल वगैरह खेलूंगा। उसके बाद वो भी काम चलता है, ये भी काम चलता है। वो जो है मतलब मेरे को डिसिप्लिन उसी चीज़ से मिला जो पहले मैं डिसिप्लिन में नहीं था, अभी किकबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स ये सब सीख के सबसे ज़्यादा मैं डिसिप्लिन हो गया। वो चीज़ लोग बोलते हैं कि उसमें क्या मार धाड़ ये सब होता है, लेकिन सबसे डिसिप्लिन चीज़ वही चीज़ में होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था, और मैं जानता हूँ दोस्तों बहुत लेट वीडियो आया, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोस में लाता रहूँ। और मेन बात यह है कि मेरे को उतना टाइम मिलता नहीं है, आज टाइम मिल गया क्योंकि छुट्टी वगैरह चल रहा है, सब हो गया, आज एक लास्ट छुट्टी बचा हुआ है तो आज वीडियो बना लिया। 2 दिन से मैं ट्रेनिंग में भी नहीं जा पाया एकेडमी में, कल से ट्रेनिंग में भी जाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स, और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।